ये परम पावन त्रित्व, ये इससे बहुत बड़ा रहस्य है, इसको हम कैसे समझ पाएंगे? लेकिन हम विश्वास करते हैं। बहुत सारे धर्म में इस प्रकार का जो विचार है, विश्वास हम करते हैं कि हमारे त्रिएक ईश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा मिलकर एकता में रहकर और हमें प्यार करते हैं। तो आइए इस महापर्व में आप प्रभु से अपने आप को समर्पित करते हुए हमारे लिए, पूरे दुनिया के लिए, हमारे देश के लिए आप प्रार्थना करें। विशेष रूप से हमारे पल्ली वासियों को इस त्रिएक भगवान के सामने रखते हुए हर एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए और पारिवारिक खुशी के लिए, हमारे फल्ली की एकता के लिए हम इस मिसा बलिदान में प्रार्थना करें। प्रभु में पिता की दाई,
अपना विश्वास प्रकट करें तथा उसकी महिमा में एकता की आराधना करें। यह कृपा हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ से। मूसा प्रभु के आज्ञानुसार पत्थर की और दो काठियां हाथ में लिए हुए बहुत सवेरे सिनाई पर्वत पर चढ़ा। प्रभु बादल के रूप में उतरकर उसके पास आया और मूसा ने प्रभु का नाम लिया। तब प्रभु ने उसके सामने से निकलकर कहा, प्रभु प्रभु एक करुणामय तथा कृपालु ईश्वर है और देर से क्रोध करता और अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञा का धनी है। मूसा ने तुरंत दंडवत कर उसकी आराधना की और कहा, हे प्रभु यदि मुझ पर तेरी कृपा दृष्टि है मेरा प्रभु हमारे साथ चले। ये लोग तो हड़तर्मी हैं किंतु तू हमारे अपराध तथा पाप क्षमा कर और हमें अपनी निजी प्रजा बना ले। यह प्रभु की वाणी है। दूसरा पाठ। संत पौलुस अपने पत्र के अंत में कुरिन्थियों से विदा लेते समय यह अनुरोध करते हैं कि वे आपस में शांति तथा प्रेम भाव बनाए रखें। यह तभी संभव होगा यदि वे ईश्वर से संयुक्त रहेंगे। इसलिए हम उनके लिए यह शुभकामना करते हैं कि यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम
तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य उन्हें प्राप्त हो। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 13 वचन 11 से 13 तक। पाठ का मुख्य विषय यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य। भाइयों अलविदा। आप पूर्ण बने, हमारा उद्देश्य हृदय अंगम करे, एक मत रहे, शांति बनाए रखे और प्रेम तथा शांति का ईश्वर आपके साथ होगा। शांति के चुंबन से एक दूसरे का अभिवादन करें। सब ईश्वर भक्त आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। यह प्रभु की वाणी है। सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षा तुम्ही हो, धरती ने तुझको सादर प्रणाम, गाती है तेरा ही गुणगान। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार प्रभु की जय। अध्याय 3 पवित्र वचन 16 से 18 तक। पाठ का मुख्य वाक्य है, ईश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। यीशु ने निकोदमस से कहा, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए संसार में नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा है कि उसी के द्वारा संसार मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता है, जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के एकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता है। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, जैसे मिसाल के शुरुआत में ही आज के पर्व के बारे में हम उच्चार कर रहे थे, परम पावन पवित्र कर्तृत्व का महोत्सव, इस प्रकार ये बहुत बड़ा रहस्य है। इस रहस्य पर हम विश्वास करते हैं। क्रिस्तीय धर्म का विश्वास का आधार ये पर्व है और परम पावन तृत्व है, और इसके बिना हमारा विश्वास नहीं है। जब हम हमारे क्रिस्तीय यात्रा शुरू करते हैं, हमारा विश्वास की यात्रा शुरू करते हैं, हम यहाँ से ही शुरू करते हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा पर बपतिस्मा ग्रहण करके, और इसके बिना हमारी यात्रा शुरू नहीं हो सकता। और हमारे प्रार्थनाएं, हमारे कार्य, जो भी हम करें, सब कुछ इधर से ही शुरू होता है। हम छोटे से छोटे प्रार्थना और महत्वपूर्ण प्रार्थना पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर ही शुरू करते हैं।
मिसा यूकरिस्ट बलिदान देखो हम पिता पुत्र के नाम पे ही शुरू करते हैं और आखिरी मिशा खत्म होने पर भी हम पिता पुत्र नाम से ही खत्म करते हैं, क्योंकि यही है हमारे विश्वास का मूल आधार, इसके बिना नहीं होता है। और इस पिता पुत्र पवित्र आत्मा इस रहस्य पर जब हमारे चिंतन करते हैं, एक ही ईश्वर है, एक ही ईश्वर तीन जन्म है और ये तीनों एक ही होते हैं, लेकिन तीनों का अलग अलग गुण है, भिन्न और अलग कार्य भी है। और ये ऐसे रहस्य है, इस रहस्य को थोड़ा बहुत हम समझ सकते हैं लेकिन पूर्ण रूप से ही कोई भी मनुष्य समझ नहीं पाएगा, क्योंकि ईश्वर सृष्टि करता है, हम सब उनके सृष्टि है, उनके द्वारा बनाए हुए व्यक्ति है। हमारा दिमाग उस विशाल ईश्वर को समझने में असमर्थ रहता है। उस सारे महान लोगों ने विचार किया ईश्वर के बारे में समझने के लिए, लेकिन किसने अभी तक पूर्ण रूप से समझ नहीं पाया। हमारे धर्म में भी ऐसे महान लोग रहे, बहुत विचारधार लोग रहे, कहते हैं संत अगस्टिन एक बार इस प्रकार इस पवित्र त्रित्व के रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे थे, दिन रात उस विचार में रहे। एक दिन सोचते सोचते समुद्र के किनारे पे चलते चलते इस विचार में डूबे हुए थे, समय अचानक देखा एक छोटी सी बच्ची खेल रही थी वहां पर। वो खेल इस प्रकार का था, ये बच्ची समुद्र के किनारे में रेत में से एक छोटा सा गड्ढा बनाकर दौड़ के जाती है, समुद्र से पानी अपने हाथ में भरकर लाती है और इस गड्ढे में डालती है, फिर दौड़ती है, फिर आती है, फिर दौड़ती है, फिर आती है। तो संत अगस्टिन उसको देखकर उस बच्चे से पूछे, बेटा क्या कर रहे हो? बच्ची ने कहा, मैं ये समुद्र के पानी को इस गड्ढे के अंदर, ये पूरे समुद्र गड्ढे के अंदर भरना चाहती हूं। फिर अगस्तिन बच्ची को देख के हंसते हुए कहा, बेटा ये कैसा हो सकता, कैसा संभव है? देखो समुद्र इतना विशाल है, इतने बड़े विशाल समुद्र की छोटी सी गड्ढे में आप कैसे भर सकते हो? कहते हैं कि एक बच्ची ने संत अगस्तिन को देख के कहा, देखिए वो भी सकता है, मैं इतने बड़े समुद्र के छोटे से गड्ढे में भर सकती हूँ, लेकिन आप जो आपके दिमाग में सोच रहे हैं इतने विशाल ईश्वर को अपने छोटे से दिमाग में समझने के लिए यह संभव नहीं होता। इस प्रकार कहकर कहकर वो बच्ची वहां से गायब हो गई। संत अगस्तिन को समझ में आया कि ये मनुष्य के लिए संभव नहीं है कि ईश्वर को ये जो पवित्र पावन तत्व को ऐसे रहस्य को पूर्ण रूप से समझना संभव किसी को भी नहीं है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये एक रहस्य है, लेकिन बाइबल में कहीं ना कहीं रूप से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में ये त्रिएक भगवान यानी ये पवित्र त्रित्व के बारे में बताती है, समझाती है, हम समझ सकते हैं। बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं, फिर भी हम कुछ उदाहरण को देखें, जैसे उत्पत्ति ग्रंथ में हम देखते हैं किस प्रकार ये तीनों का जो भूमिका आता है हम समझ पाएंगे। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1-2 में इस प्रकार लिखा गया है, पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अतः गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर का आत्मा, हम आत्मा के बारे में वहां समझ सकते हैं कि ईश्वर का आत्मा वहां रहा। और अध्याय 1:26 में हम देखते हैं ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए बगैर हमारे सदृश हो,
तो ईश्वर पिता, पिता का रूप, पिता का भूमिका हम वहां देख सकते हैं। और संत योवन के सुसमाचार अध्याय एक एक में हम देखते हैं जिस प्रकार संत योवन अपने सुसमाचार शुरू करते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं पिता और पुत्र को। और इसके बाद आज के सुसमाचार में हमने सुना है अध्याय 3:16 में ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को भेजा। यहां पर भी हम देख सकते हैं पिता और पुत्र। इसी प्रकार बहुत कुछ उदाहरण है संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 1:35 में हम सुनते हैं जब स्वर्गदूत मरियम से मिलते समय स्वर्गदूत कहते हैं मरियम पवित्र आत्मा के प्रभाव से गर्भवती हुई, अर्थात प्रभु येसु का जन्म पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हुआ। यहाँ पर हम देख सकते हैं पवित्र आत्मा, फिर पुत्र भगवान प्रभु येसु। और एक और उदाहरण देंगे यार, इसमें हम तीनों के एक साथ देख सकते हैं संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 3:16-17 में देखते हैं प्रभु के बपतिस्मा के समय। जब प्रभु के बपतिस्मा के समय यरदन नदी में योहन बपतिस्मा दे रहे थे, उस समय आकाश खुल गया, कपोत के रूप में पवित्र आत्मा उतरा और पिता की वाणी सुनाई पड़ी। ये देखो यहाँ पर पिता और पुत्र बपतिस्मा ग्रहण कर रहे हैं और पवित्र आत्मा, तीनों को हम देख सकते हैं। इसी प्रकार ये रहस्य है, तीनों ईश्वर है, तीनों एक ही है लेकिन अपने अपने गुणों में अलग रहते हैं और इस रहस्य को हम समझते हैं और विश्वास करते हैं। हम देखें इस पर्व में हमें क्या संदेश मिलता है, जीवन संदेश, इसके पर मनन चिंतन करें। और इस पर्व के द्वारा हमें कैसे जीना है, हमें इस पर्व के द्वारा खुद को सम्मान करना है और दूसरों को सम्मान करना है। क्यों खुद को सम्मान करना है, क्यों? क्योंकि हम जो सृष्टि है ईश्वर के दान है, सृष्टि करता ने हमें सृष्टि की है और ये ईश्वर इस सभी सृष्टि में व्यापित रहते हैं, विद्यमान रहते हैं, जीवित रहते हैं। हमारा शरीर जैसे संत पौलुस कहते हैं पवित्र आत्मा का मंदिर है, यानी ये पवित्र तत्व हमारे शरीर में निवास करते हैं। एक बार गांधी जी ने इस प्रकार कहा, अंग्रेजी में कहता हूं, Man may look rude or ugly, but remember there is a part of divinity in him. हाँ, मनुष्य देखने में कभी भूखा पत्थरदार हो सकते हैं और दिखने में बेकार भी दिख सकते हैं, पर हमेशा हमें याद करना है उसके अंदर ईश्वर है, ईश्वर की आत्मा है, ईश्वर की चिंगारी है। जब इंसान इस प्रकार सामने वालों को देखता है और अपने आप को देखता है, समझता है और सोचता है कि मुझ में ईश्वर है, उसमें ईश्वर है, ईश्वर का ईश्वर से मिलन होता है, वहां पर शांति बनाए रहती है और प्यार आगे बढ़ती है, नफरत नहीं होती है, घृणा नहीं होती है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, समझना है, खुद को समझना है और दूसरों को समझना है और आदर करना है। इन दिनों आप लोगों ने सुना होगा, अखबार में, न्यूज में देखा होगा, अमेरिका में क्या हुआ, लगभग 10 दिन पहले हुआ, 27 मई को एक घटना हुई, आज बहुत दर्दनाक घटना हुई है और पूरी दुनिया उसको देखकर बहुत दुखित हुई है। इसके कारण अमेरिका में बहुत सारा ये भेदभाव हुआ है, नफरत का जो भावना से विरोध कर रहे हैं,
वहां पर क्या हुआ है, जो गोरे लोग हैं उनके द्वारा जो काले लोगों पर किस प्रकार वो सताया जाता है, एक उदाहरण उसमें हम देख सकते हैं। जॉर्ज फ्लॉयड करके एक जो काला व्यक्ति है, एक आदमी है, उसने एक छोटी सी गलती कर दी मान लेते हैं, उस गलती के कारण चार गोरे पुलिसकर्मी यानी अन्य पुलिस के जो पुलिसकर्मी है वो आके उनको पकड़ कर जिस प्रकार उनसे जो व्यवहार किया वो बहुत दर्दनाक था। उनका हाथ पीछे से बांध लिया और उनके कसेट कर ले गए और उसको नीचे गिराकर गाड़ी के पास में नीचे गिराकर मुंह पर नीचे गिराकर और उसमें चारों में से एक जो पुलिसकर्मी था उनका नाम है डेरिक चौबिन, उसने उसके हृदय में बिल्कुल दया नहीं था और जॉर्ज फ्लॉयड के जो गर्दन में अपना घुटना से पूरा उनका दबा दबा कर मार डाला। लगभग लगभग 8 मिनट 24 सेकंड तक उस गले में अपना घुटना से दबाया है। वो वीडियो देखने से मालूम पड़ता है और जॉर्ज फ्लॉयड और सांस लेने में इतनी तकलीफ है, आई कांट ब्रीथ ऐसे भीख मांग रहे। इसके बावजूद भी उसने दया नहीं दिखाया। आखिर में जब इसे सांस लेने में इतनी तकलीफ है, आखिर में अपने वाह करके रोया, इसका बावजूद भी उसने दया नहीं दिखाया और मार डाला। यदि इंसान दूसरे इंसान को ऐसे देखता है, रंग से नहीं है, जात से नहीं है, धर्म से नहीं है, कि वह ईश्वर की सृष्टि है, उसमें ईश्वर है, यदि समझता है इस प्रकार अत्याचार नहीं होता है, भेदभाव नहीं होता है, नफरत की भावना नहीं होता है। प्यारे भाई और बहनों, ये त्योहार हमें सोचने की मजबूरी करती है, हमें अपनी शक्ति और साहस का जो स्रोत है इस त्योहार यानी इस परम पावन तृत्व से हमें मिलता है। और जब साहस के साथ विश्वासी लोग भी आगे बढ़ते हैं अपने विश्वास को लेकर, अब देख सकते हैं जो प्रारंभिक कलीसिया में किस प्रकार हुआ है। इस प्रभु पर परम पावन तृत्वों पर इतना विश्वास मजबूत था प्रारंभिक कलीसिया में, वे अपने विश्वास के कारण शहीद बनने के लिए भी तैयार होते, अपने जीवन को विश्वास के लिए देने के लिए खोने के लिए भी तैयार होते थे। हर उदाहरण हमारे घर में दे सकते हैं। संतोष का जीवन, मिशनरी का जीवन हमें यह दर्शाता है और इस त्योहार से हमें देखना है, सीखना है, हमें अपने ईसाई परिवारों के लिए इस ट्रिनिटी यानी परम पावन पवित्र का जो विश्वास है एक मॉडल के रूप में हमें देखता है। इन तीनों पिता पुत्र पवित्र आत्मा, इन तीनों में जो एकता है, प्यार है, यह हम सबके लिए एक मॉडल है, एक नमूना है। और जब भी हमारे परिवार में कुछ होता है, मन मुटाव हो, कुछ भी हो, हमारे लिए एक उदाहरण है यह तीनों पिता पुत्र पवित्र आत्मा की एकता। और यह नाम मात्र अपने परिवार में, अपने रिश्तेदार, अपने पल्ली, अपने देश और पूरे मानव जाति के साथ इस प्रकार जीना एक पर्व में बताता है। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, हम विचार करके देखें हमें क्या करना है। ये सिर्फ मानव से नहीं और पूरा धरती पर या प्रकृति पर, जानवरों पर, सबके साथ प्रेम भाईचारा एकता के साथ जीने की हम कोशिश करें। आइए हम सब मिलकर अपने विश्वास को प्रकट करें।
हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सृष्टि के मालिका ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके प्रभु पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा घर में आए और हमारे प्रेम से जन्म में उन्होंने पड़ोस के लालच से शासन काल में होगा और उस पर चढ़ाए गए मर गए दफनाए गए और गदोत में उतरे और उसके मृतकों में से जी उठे स्वर्ग गए स्वर्ग के मालिका ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहाँ से जीवन पर थोड़ा न्याय करने आएंगे और आत्मा पर पिता के लिए कलिसिया कर्मियों की सहभागिता पापों की क्षमा शरीर के पुनरुत्थान और अंतिम में विश्वास करते हैं आमीन। प्रिय भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज हम पवित्र त्रित्व का पर्व मना रहे हैं। पवित्र त्रित्व ईश्वर के तीन जन में सबसे गूढ़ रहस्यों में एक है। ईश्वर एक है पर उसमें तीन जन है। ये तीनों पूर्ण एकता तथा शांति में रहकर कार्य करते हैं और हमारी याचनाओं को सुनते हैं। तो आइए हम इनसे प्रार्थना कहें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माधीशों, पुरोहितगण, धर्म सखियों और कलीसिया की अगुवाओं के लिए प्रार्थना करें कि वे कलीसिया, समाज तथा दुनिया में शांति और एकता स्थापित करने की दिशा में कार्य कर सके। इसके लिए हम पवित्र ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सभी कैथोलिक माता पिताओं के लिए प्रार्थना करें कि जैसे ईश्वर अपने बनाए सभी प्राणियों का ख्याल रखता है, वे अपने बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेवारी परिवार के प्रमुख के रूप में ले सके। इसके लिए हम पवित्र ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। बच्चे अपने माता पिता का सम्मान तथा आदर करें, उनकी आज्ञाओं का पालन करें और हर संभव उनकी सेवा शुश्रूषा करें, जैसे यीशु ने अपने माता पिता के प्रति किया और उसे ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि हुई। इसके लिए हम पवित्र ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना सुन। सभी विवाहित दंपति प्रेम एकता और सम्मान में अपना जीवन व्यतीत करें, जिससे ईश्वर की महिमा हो सके, जिसने उनके शारीरिक और आत्मिक कल्याण के लिए उनको शादी के बंधन में बांध दिया है। इसके लिए हम पवित्र ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस वक्त यूक्रिस्ट में उपस्थित हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि पवित्र त्रित्व का पर्व हमें उनके सभी सद्गुणों से भर दे, जैसे एकता, शांति, सद्भावना, निस्वार्थता आदि। इन्हें हम अपने जीवन में लागू कर सकें, इसके लिए हम पवित्र ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए थोड़ी देर हम मौन रूप में रहकर पवित्र त्रित्व से प्रार्थना करें और हमारे जो भी मन्नत मांग है उनके सामने रखें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, इस मिसा बलिदान में भाग लेने वाले सभी तेरे पुत्र पुत्रियों को बुलाने के लिए तुझे धन्यवाद मैं देता हूँ। तू चाहता है कि हम तेरे सभी पुत्र पुत्रियों प्रेम तथा एकता में एक साथ जिए। हमें यह कृपा दे कि हम कड़ी मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई से अपने कार्य कर सके और अपने चरम लक्ष्य तक पहुंच सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्ट के द्वारा। आमीन। Thank you.
जीवन लेकर आई तेरी द्वार, हम अपना जीवन लेकर आई तेरी द्वार, पिता से बड़ी स्वीकार प्रार्थना की पिता ईश्वर ऐसा बलिदान ग्रहण करे प्रभु हम तेरे पवित्र तृत्व नाम की दुहाई दे रहे हैं कि यह उपहार पवित्र हो जाए, इनके द्वारा हम सबको भी अपने लिए आनंद बलिदान बना ले। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी, प्रभु में मन लगाइए, प्रभु में मन लगाइए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और आवश्यक है, हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तू अपने एकलौते पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ एक ही ईश्वर तथा एक ही प्रभु है, तो व्यक्ति की सृष्टि से नहीं तत्व की दृष्टि से एक है। हम विश्वास करते हैं कि जो महिमा तूने अपने विषय में प्रकट की है वही तेरे पुत्र और पवित्र आत्मा का की भी होती है, इस कारण सत्य और शाश्वत ईश्वर की स्तुति में व्यक्तियों में कृतज्ञता, तत्व में एकता और प्रताप में समता की आराधना की जाती है। स्वर्ग के समस्त दूत गण इस ईश्वर की स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं, सब लगा जाए
हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए संत गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। सभी से लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान कर रख, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे।
क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। प्रभु यीशु क्राइस्ट ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और से शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गाड़ी जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। आप परस्पर शांति इबादत करें। जय मेरी ईश्वर के नाम में दुष्ट संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के नाम में दुष्ट संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है, धन्य है जिस पवित्र भोजन बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग नहीं हूँ, याद करे आए और यदि स्वस्थ कर दीजिए और मेरी आत्मा सखी हो जाएगी।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, हम यह पावन संस्कार ग्रहण कर शाश्वत एवं अखंड तत्व और एकता में अपना दृढ़ विश्वास प्रकट कर शारीरिक और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु प्रेस के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए क्रिस्तियाग हुआ संपन्न धन्यवाद परमेश्वर को। सर्वप्रथम परम पावन प्रभु के महोत्सव के इस अवसर पर आप सबों को त्योहार शुभकामनाएं अदा करता हूं। हम सबके लिए बड़ी खुशी की खबर है कि कल यानी 8 तारीख से सभी पल्लियां मंदिरों और मस्जिदों को खोलने के लिए सरकार ने इजाजत दी है। हमारी भी आशा है आने वाले रविवार यानी 14 तारीख को हम पल्लीवासी एक साथ मिलकर पवित्र मिश्रा भोग में भाग ले पाएंगे। हम जरूर सरकार के जो निर्देशन हैं उनका पालन करते हुए ही सार्वजनिक रूप से पल्ली की गतिविधियां चालू रखेंगे। संख्या जरूर सीमित रहेगी अन्य सभी निर्देशों के साथ। इस पर भी हम डिस्टेंसिंग पर भी हम बराबर ध्यान रखेंगे और मिस्सा भी एक बदले में दो हम करेंगे। और किस प्रकार हम आगे इसको कार्यान्वित करेंगे आपको हम समय समय पर सूचना देते रहेंगे। आज हमारे पल्ली का आशीष माइकल जो रॉक माइकल का बेटा है मदार में उसकी शादी हो रही है। हम पल्लीवासी सभी उसको शुभकामनाएं अदा करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं कि लॉकडाउन होने के नाते हमें से बहुत सारे लोग वहां जा नहीं पाए हैं पर प्रार्थना में हम उनके साथ रहेंगे और भी ईश्वर विशेष आशीष उन पर और उनकी होने वाली जो पत्नी है अनीशा उस पर भी भरपूर मात्रा में मिलने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जब हम शारीरिक रूप से भले ही कम संख्या में पवित्र मिस्सा में भाग लेने जाएंगे कि ऑनलाइन मिस्सा जो हमने लॉकडाउन के पहले रविवार से शुरू किया जो 22 मार्च है उसके बीच में पवित्र सप्ताह तो यीशु का पुनरुत्थान आदि महापर्वों का भी हमने ऑनलाइन के द्वारा अब तक पहुंचाया। एक बार फिर आपको याद दिलाना हम चाहते हैं केवल एक साधारण सा मोबाइल में ही ये सब कुछ हमने रिकॉर्ड किया है बिना कोई एडिटिंग से बिना कोई प्रोफेशनल कैमरा की वजह से। तो ये कार्यक्रम हम आज समाप्त करने के बारे में सोच रहे हैं
और इस समय आप सबों के साथ भले ही शारीरिक रूप से नहीं आध्यात्मिक रूप से पवित्र मिश्रा एवं अन्य सभी धार्मिक रीतियों को संपन्न करने के लिए हमारी मदद करने वाले सभी लोगों को हम याद करते हैं। फादर स्टैनी जो न केवल हमारे लिए मिश्रा चढ़ाते हैं बल्कि गायक मंडली के साथ मिलकर सभी गानों का चयन करते हैं, अभ्यास करवाते हैं और हर एक कार्य में अपना सहयोग देते आए हैं और केवल एक साधारण सा मोबाइल के द्वारा इसे रिकॉर्डिंग करके अपलोड करते हुए यूट्यूब में डालने के लिए हमारी मदद करने वाला अश्विन सर और यहाँ पर हमारे इस पवित्र निष्ठा को अति भक्तिमय बनाने के लिए जो गानों का संकलन किया और कॉयर का संचालन किया जिसमें हमारा दयाल भैया है, पीयूष सर हैं, हमारे हमारी बेटी आयुषी है जो हमेशा मधुर आवाज में भजन गाती रहती है और हमारे तीन बेटे हैं जोयल, आशीष और जॉयस। इन सबको इस समय पल्ली की तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। आगे भी कहीं भी कभी भी जरूरत पड़ने पर हम हमेशा आप लोगों के साथ रहेंगे ऑनलाइन के द्वारा। आइए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि पिछले दो ढाई महीने से इस प्रकार आप लोगों के साथ आध्यात्मिक रूप से संगति बनाए रखने के लिए हमारी एकता को पल्ली के रूप में पारिवारिक एकता को बनाए रखने के लिए ईश्वर ने हमें जो मौका दिया है हम सब परिवार इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। सबको जय श्री। Thank you.